वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चटनी। ड्राई चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। चना दाल, उड़द दाल, करी पत्ता, नमक, इमली, सूखा नारियल, ब्याड़गी लाल मिर्च, गुड़, लहसुन, ज़ीरा, सफ़ेद तिल, लाल मिर्च पाउडर। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में एक टेबल स्पून तेल ऐड कर लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें चना दाल और उड़द दाल ऐड करेंगे और उसे 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम दाल को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में ब्याड़गी लाल मिर्च को ऐड करेंगे और उसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें करी लीव्स और लहसुन को ऐड कर लेंगे और उसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें सूखा नारियल ऐड कर लेंगे। सूखे नारियल को पहले ही हमने कद्दूकस कर लिया है और उसे 1-1.5 मिनट तक भून लेंगे। और उसे भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लास्ट में सफ़ेद तिल और ज़ीरा को 1 मिनट तक भून लेंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन सब मसालों को हम ठंडा होने देंगे। अब मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन मसालों को जार में ऐड कर लेंगे। और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, इमली, गुड़, हींग, हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे। अब हमने इसे इतना दरदरा पीस लिया है। अब हमारी ड्राई चटनी बनकर तैयार है। अलग सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये चटनी को आप गरम खाने के साथ घी में मिलाकर खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस चटनी को आप एयरटाइट बॉक्स में रखकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं।